नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज पांच का तड़का में। जानते हैं आप कि हम इस प्रोग्राम में आपको रूबरू करवाते हैं पांच ऐसी खबरों से जो शायद ही आप सभी को पता हो, यानी कि ये खबरें आप सभी से मिस हो जाती हैं जिन खबरों को हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। यकीनन आप भी काफी बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, और इंतजार भी क्यों ना हो, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको पता लगता है कि बी टाउन में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा ऐसा सितारा है जो इन दिनों चटपटी खबरों में छाया हुआ है, और कौन सा ऐसा सितारा है जो सारी कंट्रोवर्सी बटोर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर देखने वाले हैं बॉलीवुड के नए नए लव बर्ड को, यानी कि बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को। जी हाँ, कहते हैं कि प्यार इतना खूबसूरत एक ऐसा एहसास है, जब भी जिसको भी जिससे होता है तो वो सारी चीजों को भूल जाता है। प्यार एक ऐसा शब्द ही है कि इसे सुनते ही हर कोई मुस्कुराने लगता है। आपको बता दें कि जहां पर प्रियंका और निक की डेटिंग का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था, तो ऐसे में 18 अगस्त को इन दोनों ने अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी, यानी कि रो का सेरेमनी कर ली। वहीं हाल ही में जहां पर प्रियंका और निक अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे हैं यूएस में, तो वहीं वहां से एक कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर प्रियंका और निक जो है मानो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत एक इवेंट में दिखाई दी, जहां पर ऐसा लगा कि शादी के पहले ही निक जो है प्रियंका के ड्राइवर बन गए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ड्राइवर शादी से पहले क्या कुछ कह रहे हैं हम, तो आप देखेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में, यानी कि पांच के तड़का में, जहां पर आपको तड़क भड़क खबरों से हम रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती है, प्रियंका सगाई के बाद जहां इन दिनों निक के साथ यूएस में मस्ती करती दिखाई दी, तो वहीं हाल ही में मानो ऐसा लग रहा है कि निक शादी से पहले ही प्रियंका के ड्राइवर बन गए। दरअसल प्रियंका ने हाल ही में यूएस में एक इवेंट को अटेंड करते दिखे, जहाँ पर प्रियंका जैसे ही कार से उतरने वाली होती है तो निक उनका दरवाजा खोलते हैं। आपको बता दें निक और प्रियंका बेहद ही जल्द इस साल अक्टूबर तक शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। हाँ, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों की शादी मुंबई नहीं बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, और शादी जो होगी वो एक हवाई आइलैंड में की जाएगी, क्योंकि प्रियंका और निक दोनों को ये हवाई आइलैंड काफी ज्यादा पसंद है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन सी तारीख होगी जब बॉलीवुड की देसी गर्ल दुल्हन रूप में दिखेगी। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया, जहां पर कंगना अपने बेटी यानी कि उनकी बहन के बेटे के साथ दिखाई दी। ये कहना भी गलत नहीं है कि कंगना का भतीजा तैमूर से भी ज्यादा ठीक है। क्या कुछ खास रहा आप देखिए हमारे इस वीडियो में। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार से ज्यादा स्टार किड्स का जादू छाया है, तो वही कुछ ऐसे स्टार किड्स भी हैं जो फिल्मों से दूर हैं मगर लाइमलाइट से नहीं। जी हाँ,
हम यहाँ बात कर रहे हैं करीना सैफ के नन्हे नवाबजादे यानी कि तैमूर अली खान, जो हमेशा से खबरों का कारण बने रहते हैं। हाल ही में तैमूर और उनकी बहन इनाया को मालदीव में छुट्टियां मनाते देखा गया, जहां पर तैमूर और इनाया की एक फोटो सामने आ रही है, जहां दोनों ही बेबी ट्रॉली में बैठे हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि दोनों बेहद ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि करीना अपने परिवार के साथ और सोहा अपने पति कुणाल और बेटी इनाया के साथ मालदीव में छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए गई थी, जहां पर ये दोनों ही अब वापस लौट आए हैं। नेक्स्ट नाइट न्यूज रूम की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हसन, जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती है, तो हाल ही में श्रुति हसन को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया, जहां श्रुति बेहद ही ज्यादा कूल अंदाज में दिखाई दी। क्या कुछ खास रहा आप देखिए हमारे इस वीडियो में। हाल ही में हरियाणा की जान कहलाई जाने वाली सपना चौधरी, जिन्हें बेहद ही जल्द फिल्म दोस्ती की साइड इफेक्ट में देखा जाएगा, तो वहीं आज सपना अपने डांस को लेकर जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो डांस करना छोड़ देंगी, तो देखिए वो क्या कुछ कहती दिखाई दी। डांसिंग करियर है आपका, मतलब जो हरियाणा वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी या फिर? नहीं नहीं, वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ सर, मैं अपनी मातृभूमि कभी नहीं छूटेगी, और जिस नॉर्थ इंडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मेरे ख्याल से जब मेरी मौत हो जाएगी और मेरी अर्थी को निकाला जाएगा, तो मेरी इच्छा ही ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया घुमाया जाए पहले उसे। सो वेल 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 वेल, आपने देखा 5 का तड़का लेकर जो प्रोग्राम हम आए थे, आप रूबरू हो गए उन खबरों से, यानी कि जिस बात पे हमने आपको यहाँ पर छोड़ा था अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए कि आखिरकार निक प्रियंका के ड्राइवर बन गए। तो आपको पता लगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे। दरअसल जिस इवेंट में प्रियंका और निक शरीक होने गए थे, वहां पर जैसे ही प्रियंका आती है तो निक फौरन दौड़े चले जाते हैं तमाम मीडिया के कैमरों के सामने, बिन शर्माए अपने प्यार को देख कर वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। जब तक प्रियंका उतरती नहीं है, वो एकदम ड्राइवर की तरह ही वहां पर खड़े रहते हैं, जिसे लेकर निक ट्रॉल भी हो रहे हैं, तमाम चीजें भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि प्रियंका और निक जो हैं बेहद ही जल्द इस साल यानी कि अक्टूबर तक शादी के बंधन में बन जाएंगे, ऐसी खबरें हैं। साथ ही साथ कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों शादी के बंधन में जहां बंधेंगे, तो इन दोनों की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, यानी कि हवाई आइलैंड में ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप बाकी खबरों से भी रूबरू हुए कि आखिरकार तैमूर से ज्यादा स्मार्ट कौन आ गया है। आपने देखा कि किस तरह से कंगना का भतीजा तैमूर से भी ज्यादा यहाँ पर क्यूट दिखा, और भी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि टीवी टाउन हो या फिर बी टाउन, तमाम अपडेट्स आपको नेक्स्ट 9 न्यूज में मिलेंगी। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।